रायपुर से जाफराबंदी अस्पताल में डॉक्टरों की लालची प्रवृत्ति और मनमानी के चलते एक 10 साल के मासूम लड़के की मौत हो गई। दरअसल बच्चे के सीने में चोट लगने से इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने 10,000 रुपए तुरंत जमा करने के बाद ही बच्चे को भर्ती करने की बात कही। वहीं परिजन पैसे जुटाने के बाद जैसे ही अस्पताल पहुंचे, तब तक देर होने के चलते लड़के ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर एडिशनल एसपी जांच कर रहे हैं। सरों का ये कहना था कि पहले जब हम लोग बच्चे को लेके गए ना हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा कि पहले 10,000 रुपये आप लेके आओ, उसके बाद बच्चे का इलाज प्रारंभ करेंगे, ऐसा बोल गए। मेरा बच्चा ना जीवित था 2-3 घंटा, ये डॉक्टर के नाम से बोले मेरे बच्चे का मेरे बच्चे के कारण ये डॉक्टर है क्या नाम था हॉस्पिटल? अवंती। तो नाम की एक महिला द्वारा शिकायत दी गई है कि अवंती हॉस्पिटल मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए गई थी, तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि पहले पैसे की व्यवस्था करके लाओ, फिर इलाज शुरू कराएंगे। तो इसका ये आरोप है कि पैसे की व्यवस्था करने में विलंब हुआ, जिसके कारण उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में ये शिकायत अभी दे रही है, ये शिकायत अभी रख लिया गया है और इसको जाँच कराने के बाद अधिक कार्रवाई कराई जाएगी। और